सीरियल नागिन 2 में यामिनी यानी कि सुधा चंद्रन और डायरेक्टर के बीच के बहस के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। यामिनी ने डायरेक्टर के साथ हुई बहस की वजह से सीरियल छोड़ने का फैसला कर दिया था। काफी समझाने बुझाने के बाद तो दोनों में सुलह हुई थी, लेकिन पूरी तरह से यह मामला क्लियर नहीं हुआ था। अब यामिनी जिसकी वजह से सीरियल की टीआरपी हमेशा ऊपर बनी रहती है, उसके चले जाने से शो का सारा मजा ही खराब हो जाने का डर था सबको। इसलिए तो एकता कपूर को खुद ही आना पड़ा सेट पर दोनों से बात करने के लिए। सेट पर आने के बाद एकता को असली बात का पता चला और उसने सारी गलतियों के लिए डायरेक्टर को फटकार लगाई। इसके बाद तो डायरेक्टर की बोलती ही बंद हो गई। हालांकि एकता ने सुधा से भी बात की और उसे इस सीरियल में बने रहने का रिक्वेस्ट किया है, और साथ ही उन्हें इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि जब तक कोई और नहीं आ जाता तब तक वो यहीं बनी रहेंगी। चलो भाई, यामिनी को तो ऐसे इंसान का सपोर्ट मिल गया कि अब उन्हें कोई हटा ही नहीं सकता, लेकिन सीरियल में उनके नागमणि के सपने का क्या होगा ये देखना और भी दिलचस्प होगा। टीवी दुनिया की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज़। टॉप न्यूज़ से प्रिया की रिपोर्ट।